नमस्कार दोस्तों, सुजुकी फ्रॉन्क्स का जीटा वेरिएंट अभी आप ही देख रहे हैं। फ्रॉन्क्स का सेकंड टॉप मॉडल है हमारे पास में। आज हम देखेंगे फ्रॉन्क्स जीटा में क्या फीचर्स आपको ऑफर करे गए हैं और गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग आपको कहाँ तक पड़ती है। फिलहाल अभी ब्लू कलर के अंदर आप देख सकते हैं जीटा मॉडल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शानदार लग रहा है। एक तरीके से प्रीमियम लुक्स के साथ में आता है और जीटा में जो फीचर्स भी आपको मिलते हैं ना, ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड ये मॉडल आता है। जिस प्राइस पॉइंट पर आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लेवल के फीचर्स आपको ऑफर करता है। बाकी बैक का लुक आप देख सकते, कंप्लीट कनेक्टेड LEDs में टेल लाइट्स आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। इसके नीचे के वेरिएंट्स में ये फंक्शन नहीं आता था कि अगर आप देखें तो कुछ ऐसी की आपको जीटा वेरिएंट में आपको मिलती है। स्मार्ट की आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है। सुजुकी की ब्रांडिंग है की में पीछे। लॉक ऑन लॉक के दो बटन आपको इस की के अंदर यहाँ पर देखने मिलते हैं। फ्रंट लुक अगर आप देखें ना, कंप्लीटली SUV लेवल के लुक आपको फ्रंट की तरफ से यहाँ पर देखने मिलते हैं और ब्लू कलर के खास करके गाड़ी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम सा फील आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो जीटा वेरिएंट में सामने की तरफ आपके पास में क्या है, LED DRL से ऊपर की तरफ HID में लाइट्स आपके पास में है कम्प्लीटली। ग्रिल वगैरह पियानो ब्लैक फिनिश में आती है। रोड पैंस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा सही है और सिल्वर स्कीड प्लेट ये इसके नीचे के वेरिएंट्स में भी आपको मिल ही जाती है। बाकी साइड का प्रोफाइल ये कुछ है गाड़ी का, कम्प्लीटली साइड की तरफ से कुछ ऐसे दिखती है। ऊपर की तरफ जो है ना, सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलती है। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवरबीएम से LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ में ये आते हैं और 360 कैमरा इसके ऊपर के वेरिएंट में आएगा, जीटा मॉडल में नहीं आता है। व्हील्स अगर आप देखें ना तो कम्प्लीटली इस वाले वेरिएंट में आपको ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलते हैं और 16 इंच के ये व्हील्स है। काफ़ी अच्छी टायर साइज आपको यहाँ पर दी गई है। सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ना, ये काफ़ी अच्छी लेवल का आपको मिलता है, जिससे कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये अच्छी लेवल का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कम्प्लीटली स्कीड प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि लुक्स में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। गाड़ी में एक तरीके से सेफ्टी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट। और जीटा मॉडल में आपको टोटल 6 एयरबैग्स ऑफर करी गई है, तो सेफ्टी के मामले में कोई इशू नहीं है। काफ़ी फीचर लोडेड सेफ्टी आपको मिल रही है जीटा वेरिएंट में। पीछे के व्हील्स अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स, सामने की तरफ आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स। फ्यूल टैंक आपको मिलता है 37 लीटर्स का। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रोम की कम्प्लीटली लाइनिंग्स यहाँ पर आपको मिलती है। ऊपर की तरफ भी आपके पास में शार्क फिन आपको मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट है, रियर वाइपर वॉशर और डिफॉगर सब कुछ आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर भी मिल जाता है। लाइट्स आप देख पा रहे हैं, कम्प्लीटली क्रिस्टल इफेक्ट के साथ में ये लाइट्स आती है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिलती है फ्रॉन्क्स के अंदर, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलती है। और पीछे का अगर आप स्कीड प्लेट देखेंगे ना, ये काफ़ी सही लगती है। 4 इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। 190 mm का गाड़ी का कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस की अगर हम इसमें बात करें तो 308 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। कम्प्लीटली पार्शल ट्रे भी आपके पास में। 60-40 सीट्स का भी फंक्शन आपको मिल जाता है, दो सीट्स मतलब अलग अलग तरीके से आप फोल्ड भी कर सकते हो। कम्प्लीटली आपके पास में लाइट्स के रिलेटेड भी यहाँ पर कंट्रोल से यहाँ पर कुछ हुक्स वगैरह भी आपके पास में अवेलेबल है। पीछे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह जो आपको मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। टूल किट आपके पास में ये अंदर की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक तरीके से स्पेस का मैनेजमेंट एक तरीके से अच्छी लेवल का आपको मिलता है। गाड़ी का जो साइड का प्रोफाइल है ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लुक्स में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और जीटा जो वेरिएंट है ना, इसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का इंजन ऑप्शन मिलता है। इसमें जो 1.2 वाला पेट्रोल है वो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बॉडी कलर में कम्प्लीटली डोर हैंडल्स है और पीछे की सीट्स अगर आप देखेंगे तो ये कुछ डोर का डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलती है। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स से यहाँ पर लेदर का टच आपको मिलेगा डोर्स के ऊपर। पावर विंडोज के कंट्रोल है, नीचे स्पीकर्स का सिस्टम है, ग्लास होल्डर्स के लिए जगह है। और सीट्स अगर आप देखेंगे तो 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं तीनों ही पैसेंजर्स के लिए। और सीट को जो है आप फोल्ड भी कर सकते हो, 60-40 तरीके से भी स्प्लिट हो सकती है ये सीट्स। अगर आपको ज़्यादा सामान के लिए स्पेस चाहिए और दो लोगों को भी बिठाना है तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से बिठा भी सकते हैं। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट अवेलेबल है आपके पास में। आइए गाड़ी के अंदर हम अभी बैठते हैं। अंदर जब आप बैठते हो सीट्स काफ़ी ऊँची है तो पैरों को भी आप इजीली स्ट्रेच आउट अंदर की तरफ कर सकते हो। पीछे के जो पैसेंजर्स है यहाँ पर आपके पास में AC वेंट्स अवेलेबल है और दो पोर्ट्स आपको मिलते हैं। एक पोर्ट तो USB का मिलता है और दूसरा मिलता है आपको टाइप सी का पोर्ट। ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। थोड़ा बहुत स्पेस भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास में। सीट्स डोल टोन कलर फिनिश के अंदर आती है, ब्लैक और थोड़ा सा डार्क रेड का थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिसिंग मिलेगा। क्वार्टर विंडो भी आपके पास में, जिससे कि बेटर वेंटिलेशन आपको मिले। ग्रैब हैंडल्स आपके पास में। ऊपर की तरफ लाइट्स के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स है।
पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसा व्यू आपको मिलता है फ्रंट डैशबोर्ड का, ब्लैक सिल्वर और डार्क रेड का थीम आपको डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है। और आइए गाड़ी का फ्रंट ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर कीलेस एंट्री आपको मिलती है, जीटा वेरिएंट से आपको कीलेस एंट्री मिलना शुरू होती है। डैशबोर्ड का लेआउट आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। और ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल्स है, ट्विटर्स के रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और यहाँ से आप मिरर्स को फोल्ड भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। लॉक ऑन लॉक के कंट्रोल्स है, वन टच अप डाउन विंडो भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। टिंटेड विंडोज जो आती है इसके टॉप एंड वेरिएंट में आती है, इस वाले मॉडल के अंदर वो फंक्शन नहीं आएगा। लेदर का कंप्लीटली टच है। और सीट्स अगर आप देखेंगे ना तो ड्राइवर के लिए ये कुछ सीट्स आपको ऐसे मिलती है, आप यहाँ से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन भी आपको इसी मॉडल से मिलना शुरू होता है। स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पर, स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है। नीचे अगर आप देखें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के पैडल है और डेड पैडल भी आपके पास में साइड में अवेलेबल है। ये कंफर्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्रंट बोनेट खोलने का लीवर है, यहाँ पर फ्यूल लाइट भी आप खोल सकते हो। अंदर अगर हम इसमें बैठेंगे तो गाड़ी को मैंने पहले ही स्टार्ट करके रखा था। अंदर जब आप बैठते हो ना तो कम्प्लीटली एसयूवी लेवल की फील तो आपको मिलती है गाड़ी अंदर बैठने पर। एक तरीके से जीटा में फीचर्स भी अच्छे लेवल के आपको दिए गए हैं। स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे ना तो टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, अंदर बाहर भी कर सकते हो। ये फंक्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है, लेकिन लेदर रैप नहीं है, लेदर रैप इसका टॉप एंड वेरिएंट में आएगा। हॉर्न कुछ इस प्रकार से आपको मिलती है। ये सभी म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना हो, फ़ोन उठाने के काटने के जो कंट्रोल्स है यहाँ पर आपको मिलते हैं। नीचे की तरफ फ़ोन उठाना काटना हो या फिर वॉइस कमांड के कंट्रोल्स से ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। अंदर अगर आप देखेंगे ना तो एनालॉग आरपीएम मीटर है, एनालॉग स्पीडोमीटर है, आरपीएम मीटर इस तरफ आपको ये शो करेगा। बीच में आता है आपका एमआईडी, एमआईडी के अंदर आपको फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताएगा, टाइम बताएगा, टेम्परेचर बताएगा बाहर का, और क्या बताएगा इसमें फ्यूल कंजम्पशन के बारे में सभी जानकारी बताएगा। ड्राइविंग टाइम, कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर तक कार चल सकती है। डिजिटल क्लॉक है आपके पास में, मोशन है ये कुछ, पावर और टॉर्क भी शो करेगा, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग वगैरह के बारे में भी बताएगा। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गाड़ी के अंदर आती है तो बैटरी का फ्लो भी आपको ये यहाँ पर शो करेगा। जेटा वेरिएंट में ना आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, यहाँ पर आप क्लॉक देख सकते हैं, टाइम वगैरह भी आपको ये यहाँ पर शो करेगा। और आपको गाड़ी के बारे में भी सभी जानकारी बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, रेंज वगैरह बताएगा, कितने किलोमीटर तक चल सकती है, ट्रिप है ट्रिप भी, जैसे कई सारे फंक्शंस भी आपको शो करेगा। सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे ना तो सेटिंग्स में आपके पास में है डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग्स है, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना हो, कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये सभी फंक्शंस आपको ये सेटिंग्स के अंदर भी यहाँ पर शो करेगा। कनेक्टिविटी भी आपके पास में, स्मार्टफोन को अगर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 4 स्पीकर्स इसमें आते हैं और 2 ट्विटर्स आते हैं, 6 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम है। हज़ार लाइट्स के यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आएंगे ना तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, जो कि बेसिक वेरिएंट से भी आपको मिलती है। 12V का चार्जिंग पोर्ट है आपके पास में यहाँ पर, और USB का भी पोर्ट अवेलेबल है। वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। ग्लास होल्डर्स के लिए थोड़ी बहुत जगह है। 5 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलता है। यहाँ पर जो है ना एडजस्टेबल हैंडरेस्ट भी आपके पास में अवेलेबल है, जिसे अगर आप ऊपर करेंगे तो थोड़ी बहुत स्पेस भी आपके पास में यहाँ पर बन जाती है। और लेदर टच के साथ में आता है, सॉफ्ट टच फिनिश आपको मिलती है। और फिनिश आप देख सकते हैं ब्लैक है, सिल्वर है, डार्क रेड का भी थीम है। और अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ग्लो बॉक्स है, जिसमें थोड़ी बहुत स्पेस भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। पैसेंजर साइड वैनिटी है, जिसमें मिरर आपको मिल जाता है यहाँ पर, लाइट्स के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स है। और ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर यहाँ पर मिसिंग आपको मिलेगा, बाकी लाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कुछ जीटा वेरिएंट्स के इंटीरियर्स के फंक्शंस थे। अभी अगर आपको मैं फ्रंट बोनेट इसका खोल के दिखाऊँ तो जीटा वेरिएंट में आपको एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन का ऑप्शन। 1.2 का ऑप्शन जीटा मॉडल में नहीं आएगा। बोनेट तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, फिर भी आपको खोल के दिखाते हैं। अगर आप बोनेट देखेंगे ऊपर की तरफ कम्प्लीटली डैम्पनिंग वगैरह आपको मिलती है। बूस्टर जेट इंजन का जो लेआउट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोनेट अभी क्लोज कर देते हैं। और इंजन की पावर फिगर्स की बात करें तो 100 पीएस की ये पावर बनाता है बूस्टर जेट इसका ये इंजन। 21 की फ्यूल एफिशिएंसी आपको ये निकाल कर देगा। बाकी ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों जीटा वेरिएंट के अंदर। अगर हम इसमें ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें ना, 10,50,000 रुपीज़ तक का ऑन रोड ये वेरिएंट आपको पड़ता है जीटा मॉडल। बाकी ये कुछ था दोस्तों बलिनो जीटा के बारे में। आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपके लिए बेसिक वेरिएंट का भी रिव्यू किया है, सिग्मा का, डेल्टा प्लस का भी किया है, तो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी आपको चैनल के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।